फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस परेड में शामिल होने वाले वे दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उन्हें फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजेट मैक्रों ने रिसीव किया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। परेड में भारतीय राफेल ने उड़ान भरी। तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। उनकी एंट्री सारे जहाज से अच्छा की धुन के साथ हुई। वेस्टिल डे परेड के बाद भारत और फ्रांस के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एल ब्रॉन पिवेट से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भारत फ्रांस के कारोबारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रपति मैक्रों भी मौजूद रह सकते हैं। पीएम मोदी के सम्मान में मैक्रों वर्ल्ड फेमस लूक म्यूजियम के कोर मालिक कोर्टयार्ड में एक स्टेट बैंकवेट भी होस्ट करेंगे। इसमें 250 डिग्नेटरीज शामिल होंगे। डिनर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास वेजिटेरियन मेन्यू तैयार किया गया है। मैक्रों मोदी को लूक म्यूजियम का एक टूर भी कराएंगे। यहीं पर दुनिया के सबसे चर्चित और महंगी माने जाने वाली मोनालिसा पेंटिंग भी मौजूद है। म्यूजियम के टूर के बाद इसकी छत से मोदी और मैक्रों ईफिल टावर के ऊपर होने वाली आतिशबाजी का आनंद उठाएंगे।